सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल, हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ, हर खबर पर है पैनी नजर, खबर होगी वही जो करेगी आपको सबसे रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल, हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ, हर खबर पर है पैनी नजर, खबर होगी वही जो करेगी आपको सबसे रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। जिले में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रयास में जिले की कैसरगंज पुलिस को एक अहम कामयाबी हासिल हुई है, जिसके अंतर्गत एक वाहन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 दिन पहले लखनऊ रोड पर चोरी की गई एक कार और 4 अन्य मोटरसाइकिलें बरामद कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर पुलिस द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था। दिनांक 24 अगली 25 जनवरी की रात कैसरगंज थाना क्षेत्र में करीब 1:30-2 बजे सूचना मिली कि एक टाटा अल्ट्रोस गाड़ी है, जिसको 3 बदमाशों ने चालक को मारपीट करके घायल करके उसका सर फोड़ करके उसको लूट लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस एक्शन में आई और वादी की तहरीर पर एक FIR दर्ज हुई, जिसमें सर्विलांस की टीम और कैसरगंज की टीम पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे इसमें स्पेशली लगाई गई थी। आज इस घटना का अनावरण करने में बहराइच पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें लूटी गई टाटा अल्ट्रोस गाड़ी बरामद हुई है और तीनों अभियुक्त जिन्होंने घटना कारित किया था, तीनों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से शिवम सुजौली का रहने वाला है, विपिन मिश्र फकरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाला है और जीतू भास्कर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके पास से 4 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी भी बरामद हुई है, जो कि जिसमें से 2 गाड़ियां कनेक्ट हो चुकी हैं, चोरी की हैं, शेष अन्य गाड़ियों का पता लगाया जा रहा है। घटना में लूटा गया मोबाइल भी अभियुक्तों के कब्जे से बरामद हुआ है, अभियुक्त का बैग भी बरामद हुआ है जिसमें उसके कागजात इत्यादि थे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पूरी टीम की सफलता पर 25,000 रुपये का इनाम उनको दिया गया है और बहराइच पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिससे कि अब क्षेत्र में होने वाली वारदातों में कमी आएगी। इस तरह